स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहते हो बट आपको पता नहीं है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर में करियर कैसे डेवलप करें, क्या क्या पढ़ो। सर किसी कोई बोलता है स्टैट को पढ़ लो, कोई बोलता है ईटीएफ पढ़ लो, बट कंपनी में जाता हूं कुछ और ही पूछ लेते हैं। तो क्या क्या पढ़ो, क्या आप जानना चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि एक बिगिनर को स्टेप बाय स्टेप कैसे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को पूरा सीखना चाहिए। तो कंप्लीट डिटेल प्रोसेस आज आपके साथ शेयर करने चल रहा हूं, इसको डिटेल में समझिएगा। चलिए लैपटॉप के स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं। ये प्रोसेस मैंने सिलेबस खुद बनाया हुआ है, मेरे 8 ईयर के एक्सपीरियंस से बनाया हुआ है। किस कंपनी में क्या पूछते हैं उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन को देख के, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं ट्रेनिंग ऐसी करनी चाहिए जो कंपनी की जरूरत हो, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है गाइस। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में बहुत बहुत कुछ पढ़ने को है, सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ने को बहुत कुछ है, बट क्या क्या पढ़ोगे, आपको चाहिए इमीडिएट जॉब। तो इस जॉब के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए वो कंप्लीट सिलेबस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चाहे तो आप हमारे अंडर में इसको सीख सकते हैं, हमारे गाइडेंस में सीख सकते हैं जो कि 5th ऑफ मार्च से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, या फिर आप समझ सकते हैं कि अच्छा ये चीजें मुझे आना चाहिए, तो खुद से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। नो डाउट आप मेरे मेंटर से भी पढ़ते हो, तो कहीं पर भी कुछ आपको प्रॉब्लम आती है, आपने प्रोजेक्ट किया कॉन्फिडेंस के लिए, मैं आपके प्रोजेक्ट को चेक करता हूँ, जो गलती रहती है उसको ठीक कर देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाता है। चलिए कंप्लीट सिलेबस को आप देखिए, उसके बाद नीचे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा सिलेबस आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ अगर आपको सिलेबस चाहिए तो नीचे एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, व्हाट्सएप मारिए, फट से आपको सिलेबस मिल जाएगा और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। चलिए जय हिंद जय भारत, बट पहले पूरा स्क्रीन पर देख लो उसके बाद। गाइस, किसी को भी अगर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में कंप्लीट से अपना कैरियर डेवलप करना है तो ये मेरा वेल रिसर्च सिलेबस है, जो कि मैं कंप्लीट एक एक सिलेबस को बहुत डेप्थ में इसको डिजाइन किया हूँ। उसको डेप्थ में समझिएगा और देखिएगा कि अच्छा इतनी चीजें अगर हम लोग, अगर आपके पास सीडी से भी ऐप नहीं है तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर नीचे लिंक से। तो अगर आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर कैरियर बनाना है, बस स्टेप बाय स्टेप पढ़ जाओ, आपका करियर आराम से बन जाएगा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर। अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, सबसे पहले आपको ऑटोकैड के बारे में पढ़ना चाहिए। कभी भी ऑटोकैड का मतलब सिर्फ लाइन और पॉलीलाइन और सर्किल नहीं होता है, ऑटोकैड का पढ़ने का मतलब होता है गाइस कि यहाँ पर आपको प्लान, सेक्शन, एडमिशन समझना चाहिए, आपको रेरा के रूल समझना चाहिए, आपको स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स आना चाहिए, बायलॉज आना चाहिए, चेकलिस्ट आना चाहिए, वर्किंग ड्राइंग का समेशन, लाइक समेशन ड्राइंग है, प्लान है, सेक्शन है, उसके लिए चेकलिस्ट कौन कौन सी होती है, बीम कॉलम का पोजीशंस कैसे देते हैं, इसे बोलते हैं ऑटोकैड। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में खास तौर से ये आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। इसके बाद अगर गाइस आप स्टैट प्रो सीख रहे हैं तो केवल स्टैट प्रो मत सीखिए, स्टैट प्रो सीखने के लिए आपको पहले फुटिंग का नॉलेज होना चाहिए, स्लैब के हर टाइप के बारे में, सपोर्ट के बारे में, स्टैंडर्ड डोर विंडो के साइजेस, ये तो ऑटोकैड का है। उसके अलावा एनालिसिस एंड डिजाइन इन स्टैट प्रो किस तरीके से करेंगे तो सीखना ही पड़ेगा। फिर एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस कैसे करेंगे, जिसमें कंक्रीट डिजाइन करके स्टैट प्रो में होता है, जिन्होंने सीखा होगा उसको पता होगा। विंड एनालिसिस कैसे करते हैं, सीयर वॉल के बारे में कंप्लीट प्रॉपर्टी उनकी पता होनी चाहिए, क्योंकि डिजाइन करना तो आप 2 मिनट के अंदर आप यूट्यूब पर देखिए आपको मिल जाएगा, बट उसकी पूरी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, कौन सा शेयर वॉल कहाँ पर यूज करते हैं और वहीं पर वो शेयर वॉल क्यों यूज करते हैं। बेसिक अगर स्टील स्ट्रक्चर, सपोज आप टावर डिजाइन कर रहे हो तो टावर के लिए आपको क्या कोल्ड फॉर्म स्टील, हॉट रोल स्टील का फर्क पता है, आपको उसकी सारी प्रॉपर्टीज, ग्रेड्स पता है क्या, आईएस कोड कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या सारे आईएस कोड जैसे 456 है, उसके बाद 875 के पांचों पार्ट है, 1893 है, ये सब। इसके अलावा आपको बेसिक थंब रूल पता होना चाहिए कि कॉलम कितने बाई कितने का कहाँ कर रख दें, क्योंकि डिजाइन तो बाद में करोगे, बोले तो थंब रूल के अकॉर्डिंग समझोगे ना। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सभी लोग, क्योंकि मैं वेल रिसर्च सिलेबस आपको दे रहा हूँ जो कि इंडस्ट्री को चाहिए। इसको देखने के बाद आप किसी भी कंपनी का ओपनिंग सर्च करिएगा और देखिएगा उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो इससे मैच 100% करेगी, ठीक है, मेरा गारंटी है। उसके अलावा आपको शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, डिफ्लेक्शन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने ईटीएफ और सेफ सीखा हुआ है तो केवल ईटीएफ सेफ से काम नहीं होगा, उसके लिए क्या है वो भी आगे दिखाता हूँ, पर अभी स्टैट प्रो समझ लीजिए। रेनफोर्समेंट डिटेलिंग्स आपको अच्छे से आना चाहिए, डक्टाइल डिटेलिंग्स आपको करना आना चाहिए, सेंटर लाइन कैसे क्रिएट करते हैं वो आना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आना चाहिए, स्टैट एडिटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, सबमिट कैसे करेंगे स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग को, आप लोग सीख लेते हैं कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि सबमिट कैसे करना है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं गुरुकुल में कम से कम 30 से 35 लाइव प्रोजेक्ट देते हैं, लो भैया इसको करो, इसको हमको सबमिट करो। जब सबमिट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस 1 प्रोजेक्ट में नहीं होगा, 2 प्रोजेक्ट में नहीं होगा, 10 में नहीं होगा, 15वें प्रोजेक्ट से तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस रेज होने लगता है। इसके बाद हम लोग गाइस ईटीएफ सीखते हैं, ईटीएफ के बाद उसकी ईटीएफ में ग्रेड कैसे क्रिएट करेंगे, हाई रेज बिल्डिंग की कैसे एनालिसिस डिजाइन करेंगे, ETFs के अंदर विंड और सेस्मिक एनालिसिस कैसे करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ETF का डायनेमिक एनालिसिस कैसे करेंगे, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, पी डेल्टा एनालिसिस, पुश ओवर एनालिसिस, डायनेमिक ऑल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, आपको लाइक इसमें मोड्स होते हैं, मोड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट क्या है, जो लोग मास्टर्स में पढ़ते हैं उन चीजों को हमने इसके अंदर ऐड कर रखा है। स्टील स्ट्रक्चर्स के फ्रेम कैसे बनाते हैं ETFs के अंदर, मैनुअल वर्क कैसे करते हैं अपने, अगर कोई मैनुअल बीम है, मैनुअल कॉलम है, उनको कैसे क्रॉस चेक करेंगे कि सही है कि नहीं,
तो मैं क्या करता हूँ कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसका कोई भी एक बीम ले लीजिए, उसके डिजाइन करिए, कोई भी एक कॉलम ले लीजिए उसके डिजाइन करिए, क्या आपका मैनुअल का डाटा सॉफ्टवेयर डाटा मैच कर रहा है क्या। इवन मैं एसएफडी बीएमडी के न्यूमेरिकल्स भी देता हूँ आपको कि देखो ये एसएफडी बीएमडी मैनुअली आ रहा है, चलो सॉफ्टवेयर पर करके देखो। जब इस तरीके से आप करते हो तो आपके लिए बेहतरीन हो जाता है। इसके बाद गाइस स्टेयर केस के बारे में, आप कंप्लीट डिजाइन उसका, वेफर स्लैब देखते होंगे एयरपोर्ट वगैरह में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इसको कैसे हम लोग सेफ सॉफ्टवेयर के अंदर डिजाइन करेंगे, मैट फाउंडेशन को कैसे सेफ में करेंगे, आइसोलेटेड फुटिंग को, पाइल को, स्लैब को, इसके अलावा डिजाइन ऑफ ऑल मेंबर बीम कॉलम फुटिंग स्लैब को कैसे डिजाइन करेंगे, फ्लैट स्लैब को कैसे डिजाइन करेंगे, फ्लैट स्लैब के चार टाइप्स हैं, ड्रॉप पैनल कॉलम हेड, नॉर्मल फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल कॉलम हेड, उसके बाद इसके लोड्स के बारे में, उसके बाद आईएस कोड कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, फिर वही बेसिक सोम आपको आना चाहिए, इसमें से सॉरी सीयर फोर्स है, बेंडिंग मोमेंट है, डिफ्लेक्शन है, बीम के बारे में, बीम क्या होता है, कोई पूछ ले व्हाट इज कॉलम, अब आंसर ही नहीं है, होना चाहिए व्हाट इज शियर फोर्स, व्हाट इज हनीकॉम, व्हाट इज क्रीप, व्हाट इज श्रिंकेज, व्हाट इज फुटिंग, व्हाट इज स्लैब, इनकी डेफिनेशंस आपको बेसिक क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यू में पूछते हैं गाइस। इसके बाद आपको बीम कॉलम फुटिंग स्लैब का कंप्लीट एक्सेल डिजाइन भी आना चाहिए क्योंकि कुछ कंपनियां सॉफ्टवेयर के डाटा को क्रॉस चेक करने के लिए एक्सेल शीट का यूज करती हैं, अगर आप ओपनिंग देखते होंगे तो आपको पता होगा। प्रीकास्ट कंक्रीट को कैसे डिजाइन करते हैं, इसमें प्रीकास्ट में पोस्ट टेंशनिंग प्री टेंशनिंग कैसे करते हैं, कौन से बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग्स के बारे में समझते हैं हम लोग यहाँ पर, बीम कॉलम फुटिंग स्लैब की हर प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पर। इसके बाद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, फिर शॉप ड्रॉइंग कैसे क्रिएट करेंगे, जीए ड्रॉइंग कैसे क्रिएट करेंगे, इलेक्शन ड्रॉइंग कैसे करेंगे, फेब्रिकेशन ड्रॉइंग, सिंगल पार्ट ड्रॉइंग कैसे क्रिएट करेंगे, सब सीखते हैं। ऑल टाइप ऑफ प्रॉपर डायमेंशन, की डायमेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है किसी को ड्राइंग सबमिट करने के लिए। उसके बाद डिटेलिंग्स कैसे करेंगे, डिटेलिंग के लिए कौन सा कोड यूज करेंगे, उसके बाद शेप कोड क्या होता है, शेप कोड स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होता है गाइस, मतलब सॉरी आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होता है, जैसे कि शेप कोड 00 मतलब स्ट्रेट बार जाएगा, तो इस तरीके से आपका शेप कोड होता है। ये तो रहा जो सॉफ्टवेयर में पढ़ते हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट्स, क्या कॉन्सेप्ट्स कि आपके सारे आईएस कोड कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, टैक्टाइल डिटेलिंग क्या होती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, डायनेमिक स्ट्रक्चर्स में क्या क्या एग्जैक्टली पढ़ना चाहिए, उसमें आपको रिजिड फ्रेम है, बॉडी डायनेमिक बॉडी के बारे में पढ़ना चाहिए, अनडैम्प्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, हार्मोनिक लोडिंग के बारे में, ये कंप्लीट वाइब्रेशन के बारे में, कितने तरीके के वाइब्रेशन होते हैं, डक्ट किसी भी जो फ्रेम होती है उसकी स्टडी के लिए आपको IS 1893 का पूरा कोड जो अभी नया आया हुआ है उसके बारे में, वाटर टैंक के बारे में, डायनेमिक एनालिसिस के बारे में, ये कंप्लीट सिलेबस है जो कि बहुत बड़ा है, कई लोग तो थक जाएंगे, ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको चाहिए तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, जैसे आप वहां से बोल दीजिए कि स्ट्रक्चर्स का सिलेबस चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं, और जिसको डेप्थ में सीखना है 4 महीने का मुझे समय दीजिए, एक एक चीज को डेप्थ में आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे हाई राइज बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं बिल्डिंग्स के, ठीक है, और उसकी कौन कौन सी परफॉर्मेंस को चेक करना पड़ता है, कितना टाइम पीरियड होना चाहिए, इनफिल वॉल क्या होती है, फ्रेम वॉल जो आपने एमटेक में शायद पढ़े होंगे वो सिलेबस, जैसे कि पी डेल्टा के बारे में, इफेक्ट क्या होता है टॉर्जन का, कैसे रिड्यूस करेंगे, डिफ्लेक्शन कैसे रिड्यूस करेंगे, मतलब स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिकली कैसे बनाएंगे, वो सारा चीज इस 4 महीने में हम लोग सीखते हैं। आप चाहें तो सीख सकते हैं, उसके अलावा ये नहीं, इसके अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज जैसे कि आपको ऑटो कैट पे क्या क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है, स्टेट प्रो पे क्या पूछ सकते हैं, ईटैप पर, सेफ पर, आरसीडीसी पर, क्योंकि यहाँ पर हर महीने सॉरी हर हफ्ते यहाँ पर मॉक इंटरव्यू होता है, जो जहाँ के क्वेश्चन यहीं से आएंगे, तो क्या क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको दे देते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर प्रोफाइल का पूरा नॉलेज आपको, कैसे इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका स्टील ग्रेड कौन कौन से हैं, मैनुअल में आपको क्या आना चाहिए, सेस्मिक को मैनुअली कैसे करेंगे, बीबीएस को मैनुअली कैसे करेंगे, बीएस कोड के बारे में कि बीएस कोड के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट बीएस में कोड है, ब्रिटिश कोड, डेंसिटी के बारे में, मिक्स प्रोपोर्शन के बारे में, मीन्स बेसिक जो एक सिविल इंजीनियर को आना चाहिए वो भी जानिए, उसके अलावा डेप्थ में स्ट्रक्चर इंजीनियर को क्या चाहिए वो भी जानिए। तो भाई ये आपका 4 मंथ का गुरुकुल का ये पूरा प्रोग्राम मैंने आपको शेयर कर दिया। आप चाहें तो गुरुकुल में 5 मार्च से स्टार्ट है वहां आ सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर अभी मेरे पास समय नहीं है, तो इसका रिकॉर्डिंग कोर्स भी यूनिक सिविल ऐप में ऑल इन वन नाम से बहुत फेमस है, उसको आप ले सकते हैं। अगर लाइव आएंगे तो बेनिफिट ज्यादा होगा, रीजन ये है आप प्रोजेक्ट करोगे, मैं डेली प्रोजेक्ट चेक करूंगा, जो एरर है वहां सॉल्व कर दूंगा, तो उससे कॉन्फिडेंस रेज होता है। स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस गाइस, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की प्रोफाइल में बोलता हूँ जस्ट लाइक अ डॉक्टर, एक जूनियर डॉक्टर कुछ ही पढ़ के आया उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लोग उस पर भरोसा नहीं करते, क्यों, क्योंकि अभी उसने पेशेंट्स नहीं देखे हैं अच्छे वाले, लेकिन जब डॉक्टर थोड़ा एज हो जाता है या फिर थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस रेज हो जाता है, जस्ट लाइक लॉयर,
स्टार्टिंग में लॉयर को, स्टार्टिंग में डॉक्टर को, स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर इंजीनियर को थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, थोड़ा कम सैलरी लेना पड़ता है, बट जैसे जैसे समय बढ़ता है फिर वो मुंह मांगा पैसा लेते हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे स्ट्रक्चर इंजीनियर हो। तो इन तीनों का प्रोफाइल लगभग लगभग सिमिलर तरीके से ग्रोथ करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट कर देना भाई कि यस सर अच्छा लगा, इस सिलेबस मुझे चाहिए। आप जस्ट अपना मेल आईडी भी शेयर कर सकते हो या फिर नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जहाँ चाहिए वहाँ पर आप ले लीजिएगा। चलिए, जय हिंद जय भारत।